अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल हकीम अहमद में। उम्मीद करता हूँ कि सभी भाई खैरियत से होंगे। प्यारे दोस्तों भाइयों, आज मैं आप लोगों को एक ऐसा फ्री का नुस्खा बताऊंगा जो आपके घर पर ही यानी घर के आसपास ही मौजूद होगा और इसका रिज़ल्ट इतना ज़बरदस्त है कि अगर आप ना मर्द भी हो चुके हैं, आपने कितनी भी बचपन में गलत काम किए, गलत कार्य किए, कितना भी अपने मुश्तजनी की लौंडेबाजी की, आप बिल्कुल अगर नामर्दी की कगार पर पहुंच चुके हैं, आपके अंदर ज़रा भी सहवत नहीं रही, आपके अंदर बिल्कुल मादा मनवैया ख़त्म हो चुका है, तो दोस्तों आज मैं आपको एक ऐसा फ्री का नुस्खा बताऊंगा जिससे आपके अंदर दोबारा से मर्दानगी वापस आ जाएगी, आप दोबारा से मर्द बन जाएंगे। इतना ज़बरदस्त नुस्खा आज मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आपसे मेरी एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, उसके बाद बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। दोस्तों ये जो नुस्खा है ये सिर्फ और सिर्फ बड़ का पेड़ होता है उससे बनने वाला नुस्खा है। दोस्तों बड़ के पेड़ के बारे में आप सभी जानते होंगे। बड़ का पेड़ किसी भी गांव में आपको बड़ी ही आसानी से मिल जाएगा, शहरों में भी ये मिल जाता है, आप किसी अपने बड़े बूढ़ों से भी मालूम कर सकते हैं। दोस्तों आपने करना क्या है, अपने सुबह खाली पेट अपने बड़ के पेड़ के पास जाना है खाली पताशे लेकर। दोस्तों पताशे आप सभी जानते होंगे, आपने बड़ के पेड़ के पास जाकर पताशे लेने हैं, चार पताशे आपने लेने हैं। चार पताशों पे आपने बड़ के पेड़ का जो पत्ता होता है अपने उसको तोड़ देना है। उसके बाद उसमें से एक दूध निकलने लगेगा जो बूंद बूंद कर आता है, वो 5 से 6 बूंदे अपने एक पताशे पर खा लेनी है, डालकर उस पताशे को खा लेना है। दोस्तों सुबह खाली पेट अपने सिर्फ 15 दिन आप ये चीज़ इस्तेमाल कर ले, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि 15 दिन के बाद जब आप बीवी के पास जाएंगे, अगर आप नामर्द भी हो चुके थे तो दोबारा 15 दिन बाद जब आप जाओगे तो आप बीवी से हाथ जुड़वा दोगे, ये मैं आपको यकीन दिलाता हूँ। बहुत ही ज़बरदस्त ये नुस्खा है, बहुत ही कामयाब ये नुस्खा है, लाखों मरीज इस नुस्खे से ठीक हो चुके हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा, अगर आपको पसंद आया तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगली नई वीडियो अगले नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।